हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद सबके जाम में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। ऑफिशियली जो मतलब हैदराबाद का ब्लॉग है वो ये पहले वाला है। लास्ट वाला आपने देखा होगा कि हम पहुंच गए थे। अब हम जाएंगे हैदराबादी बिरयानी खाने। सबसे पहले तो मुझे वही खाना है। बिरयानी से बिस्मिल्लाह करते हैं। हैदराबाद की हो तो जानते होंगे, जो हैदराबाद नहीं है उन्हें हम अपने तरीके से हैदराबाद दिखाते हैं। चलिए चलते हैं, नीचे सारे वेट कर रहा है। अभी मैंने रात के हिसाब से कंफर्टेबल वाला आउटफिट पहन लिया है। लॉबी है। कभी कभी बीवी भी काम आ जाती है, इनकी भी अकल होती है। हमेशा बीवी काम आती है। हमारी भी अकल है क्या? तो फ्रेंड अभी हम आ गए पिस्ता हाउस और यहाँ पे खाएंगे बिरयानी। अब मुझे समझ आया, जैसे मैंने YouTube पे हैदराबाद डाला मुझे इतने सारे कमेंट्स आए बेकरी से रिलेटेड, बिस्किट और केक से रिलेटेड। वो मुझे फर्स्ट जगह पे आके पता चल गया, इतनी खुशबू, इतनी सारे आइटम बेकरी के। तो अभी हम आ गए थे पिस्ता हाउस जो कि अत्तापुर में है। सनी ने सबसे पहले कहा कि मुझे चिकन 65 खाना है, तो मैंने ट्राई किया। इतना यमी था, इतना चटपटा था और नींबू डाल के तो आहा और भी मजेदार हो गया। बहुत ही यमी है फ्रेंड्स। और अब नंबर आता है वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस हैदराबादी बिरयानी ट्राई करने का। तो हमें बहुत ही ज्यादा यमी लगी, एकदम परफेक्ट फ्लेवर था उसका, मजा आ गया था खाने। शारिफ ने बताया कि वहाँ पे बहुत अच्छी चाय भी मिलती है, जाफरानी चाय। हैदराबाद में जाफरानी चाय पी के हमें कश्मीर की भी याद आ गई कि जाफरान का टेस्ट जैसे गया ना मुंह में तो वहाँ भी पहुँच गए। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। चाय पी ली, अब हमारी टैक्सी भी आगे चलते हैं होटल। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जब आए थे तब आप लोगों को रूम टूर नहीं दे पाए थे, लेकिन सबको रूम टूर देखना बहुत अच्छा लगता है, तो हम जल्दी से 1 मिनट के अंदर रूम टूर दे देते हैं। मैं आई कम इन सर? यस कम इन। होटल ताज पैलेस में आपका स्वागत है। ताज कृष्णा में स्टार्टिंग में ये दिखा दिया। ये तो फ्रेंड्स अब कपड़े रखने की जगह है तो ये दिखाएंगे, लेकिन रूम में जैसे ही फ्रेंड्स हम यहाँ से एंटर करेंगे, राइट साइड पे यहाँ पे कवर दिया हुआ है, लॉकर दिया हुआ है, अगर पे हमें चाय बनाने वाला छोटा सा किचन दिया हुआ है, नीचे यहाँ पे फ्रिज है कुछ जो कि खाली है। ये हमने अभी जहाँ से बेकरी का सामान लिया था वो है। यहाँ पे भी एक कबर्ड दिया हुआ है, आइनिंग टेबल दी हुई है। इधर पे आते हैं तो है वॉशरूम, वॉशरूम भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये आ गया वॉश बेसिन वाला एरिया, ये हो गया मिरर, ये हो गया सबा, ये हो गया सनी, यहाँ पे नहाने वाला एरिया और यहाँ पे बस यहाँ से एंटर करते हैं। यहाँ से आए तो लेफ्ट पे आ गया हमारा बेड। अल्हम्दुलिल्लाह थक भी गया सनी, सोई नहीं है। मैं तो सोती हुई आई हूँ, दो से तुम सो के आई हो तुम। मुझे हर टाइम हर जगह नींद आ जाती है। ऐसा नहीं है कि ऐसा तकिया ऐसा गद्दा, इसके अंदर कुछ रखा है क्या? चॉकलेट रखी इसके अंदर, खाली है। पैर पोछने के लिए रखा हुआ है टॉवल, चप्पल है इसके अंदर। यहाँ पे बड़ा सा टेबल दिया है और ये हो गया रूम डाइनिंग के लिए। यहाँ से आपको जो भी खाने के लिए मंगाना है इसमें से देखो, फोन उठाओ, कॉल करो। ये रही टीवी, ये हो गया हमारा रूम टूर, अब हम जाएंगे सो। ये चीज फ्रेंड कितनी अच्छी, मैंने आपको दिखाई नहीं, ब्रशेस और ये सारी चीजें ना इसमें रखी है। देखिए कल भी पूरी रात जागे और आज भी पूरी रात जाके सिर्फ व्लॉग एडिट कर। ये रहा आपके सामने हैदराबाद। मैं जरा थोड़ा सिस्टमैटिक तरह से काम करने लगी हूँ ताकि मेरा भी इजी हो जाता है और आप सबको दिखाने में भी अच्छा रहता है। तो आज की जो जरूरतों की चीजें हैं वो मैंने निकाल के रख ली थी। मेरा आउटफिट, बैंगल्स, लेंस, हिजाब, बैग। बैंगल्स में मुझे ये पूछना है कि ये वाली सिर्फ ऑरेंज अच्छी लग रही है सनी से या ग्रीन और ऑरेंज। और ये मेरे शूज, ये यहाँ पे सनी के भी कपड़े निकाल के रख दिए। देखिए लकड़ी का ब्रश। असलाम फ्रेंड्स, तो मैं हो गया नहा धो के रेडी और मैं पढ़ूंगा नमाज। सब अभी अब तक रेडी हो रही, मैंने पढ़ ली नमाज और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वीडियो अपलोड, क्योंकि बिना वीडियो अपलोड करे हम कहीं निकल नहीं सकते और निकलेंगे तो फिर ध्यान पूरा यहीं रखा रहेगा। तो पहले करते हैं वीडियो अपलोड फिर निकलते हैं बाहर, ताकि हम भी फ्री से घूम सकें और आप भी वीडियो देख के एंजॉय कर सको। जब नए नए होटल जाओ आके नए नए टॉवल यूज करने का बड़ा मजा आता है। घर में तो वैसे गीले ही बांध लेती हूँ, जब है तो यहाँ पे यूज कर लेते हैं। और प्लान में थोड़ा सा चेंज है इसलिए अभी हमारी जो मीटिंग है वो यहीं नीचे ही हो रही है, तो हमने सोचा फिर हम कम्फर्टेबल वाला सूट पहन लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स हमारी जोर की नमाज भी हो चुकी है, जो हमारी मीटिंग है फ्रेंड्स वो नीचे आ चुकी है। और ये सूट कैसे लग रहा है बताइए। मैंने ले तो ली, बड़े होशियार बन के अमेरिकानो, लेकिन मुझसे पी नहीं जा रही है तो सनी पी लेंगे। क्या ये देखिए फ्रेंड्स, लिया है नए जूते और इनसे भी नहीं चलते बन रहा है। तो
वजह से मिलने के लिए हम हैदराबाद आए थे, हमने उनसे मिल लिया और अब हमें वो लेके जा रहे हैं लंच के लिए। तो अभी हम आ गए हैं मंदी 36। जैसे हैदराबादी बिरयानी बहुत फेमस है, अभी यहाँ पे हैदराबाद में मंदी का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। ये आ गई है फ्रेंड्स मंदी, आप सब जानते ही होंगे, इसमें राइस मिलता है, उसके बाद मटन चिकन के पीसेस, ग्रेवी, चटनी, मेयो भी मिलता है, सैलेड भी मिलता है, बहुत ही यम्मी कॉम्बिनेशन होता है। खाना तो खिला दिया और अब बहुत फेमस चाय पिलाने के लिए हमें ये जगह लेके आए। तो ये है नीलूफर कैफे हैदराबाद का, काफी फेमस है, यहाँ पे चाय कॉफी और काफी अच्छा बनाया भी इन्होंने ना। तो अभी हमने चाय पी लिए, चलते हैं अपने होटल, उसके बाद शाम में फिर से निकलेंगे, आधे घंटे बाद, एक घंटे बाद निकलेंगे। चाय बत्ती भी लेके चलेंगे। आज फर्स्ट टाइम हैदराबाद के फेमस उस्मानिया बिस्किट का है। मतलब किसी की तो नियत लग गई भाई, लग रहा है पूरी ले जाएगी यहाँ से उठा के। बिल्कुल, मैंने भाभी को भी बताया, भाभी यहाँ के केक्स और बेकरी के जो भी आइटम है वो बहुत अच्छे हैं। उस्मानिया बिस्किट, फ्रेंड्स चलो पहले काम कर लेते हैं, तो करते हैं काम और उसके बाद निकलते हैं। बोल तो दिया मीटअप के लिए, आप घबरा क्यों रही हो? बहुत ज्यादा मेरे गाल गर्म हो रहे हैं, आप चूके देख लीजिए। तो भाई क्या सब ये तेरा ड्रामा है? मैंने लाइफ में मीटअप किया नहीं है, मुझे भी था कि मैं हैदराबादी सारे लोगों से मिलूं और ऐसे अलग अलग जगह पे मिलना नहीं हो पाता है। वीडियो के थ्रू मिलना और सामने मिलना बहुत फर्क होता है। जब तुम लोगों से मिलोगी ना तब तुम्हारे अंदर खुद ब खुद एक कॉन्फिडेंस आता है। माइंड ये कह रहा है कि बड़ा मीटअप तो रख लिया, पता चला इंक्वायरी तो बड़ी फैंसी, लेकिन इतना नहीं सोचना चाहिए। कितना क्या, हम कह रहे हैं 10 लोग अगर हमें जाने हैं 10 लोग से मिलेंगे, हम क्या देखेंगे? ऐसे अच्छे वाले कपड़े भी नहीं लेके आए, कुछ भी पहन के चल लो यार, ऐसे लोग मोहब्बत करते हैं। इंसान की इज्जत कपड़ों से नहीं होती, इंसान की नेचर से, इंसान की जबान से होती है, इंसान के अखलाक से होती है, समझी? तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। हाँ वालेकुम सलाम, आ जाओ सारे आ गया भाई। चल मैंने अबाया पहन लिया और ये अबाया ना बाजी और यूसुफ भाई लेके आए थे सऊदी से। नाइट लाइफ एंजॉय करते हैं, चार मीनार पहले चलते हैं। अच्छा, हमें हैदराबाद आके पता चला है कि यहाँ की नाइट लाइफ जो है वो बहुत मेन है। हम तो वैसे ही रात के बाद से है ना। पढ़ो कर, इनका एग्जाम है, बस अभी हम बाहर उनका वेट करेंगे, वो लोग आएंगे और फिर हम निकलेंगे हैदराबाद घूमने के लिए। फ्रेंड्स इतनी अच्छी लाइट्स वाइस लगा के रखी है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है दिवाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वो लोग आ गए, हम चलते हैं और घूमते हैं और खाना भी टेस्ट करते हैं। हैदराबाद में जो सबसे अच्छा जो लग रहा है वो लग रहा है यहाँ का खाना। मैंने मीटअप का स्टोरी डाला था, पता चल रहा है कि उसका रिस्पांस ठीक ठाक है, मतलब मुझे तो उम्मीद नहीं थी। सनी से बोल रही हूँ, सनी बेइज्जती हो जाएगी, कोई नहीं आने वाला। पहले ओल्ड सिटी चलते हैं। जितने आर्स होंगे उतने बार बजेगा। ये सबसे बड़ी बात ये है कि बज रहा है, हर जगह लगा है, बस तो कहीं नहीं है। तो फ्रेंड हम लोग आ गए हैं ये चार मीनार के पास, हैदराबाद की जो मेन मार्केट है, ओल्ड मार्केट। ये तुम्हारे सामने बिठाने वाला है। तो ये रहा सामने चार मीनार, हैदराबाद का जो फेमस चार मीनार है वो ये है भाई। क्या क्राउड है यहाँ पे यार, हमें लगता था कि मुंबई में ही खाली क्राउड है, यहाँ भी बहुत तगड़ा वाला क्राउड है भाई। सजने के सामान है ना, वो यहीं मिलेगा। लड़कियाँ जो देख रही है, हमारे काम की जगह है। हैदराबाद आके भूल गई क्या? हैदराबाद का सबसे फेमस, इंडिया का सबसे फेमस चार मीनार हमारे पीछे है, हमने आप सबको दिखाया। और यहाँ पे आसपास बहुत ज्यादा रौनक लगी हुई है, हर चीज मिल रही है, शॉप सिंगार की चीजें, खाने की चीजें, मतलब घूमने की बहुत अच्छी जगह है, सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। और ये चार मीनार आपके सामने, और ये रही सामने मक्का मस्जिद। यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत अच्छी अच्छी चूड़ियाँ और ज्वेलरी मिल रही है, मोतियों की माला भी मिल रही है। फिर शॉपिंग के लिए किसी दिन अलग से आएंगे, अभी सिर्फ देखने आए थे और आप सबको भी दिखाने आए थे, क्योंकि हैदराबाद है तो लग रहा था सबसे पहले चार मीनार तो देख ही ले। सबसे बड़ा डर ये रहता है तुम कहीं खो ना जाओ, और हाथ पकड़ना पड़ता है मुझे। तो फ्रेंड्स ये यहाँ का फेमस लाट बाजार, यहाँ पे बैंगल्स का जो है पूरा मार्केट है, जरी के दुपट्टे भी है, पूरी मार्केट ज्वेलरी और दुपट्टे और कपड़े इसी की है ना। लड़कियों के लिए यहाँ बहुत अच्छी चीज है, उस दिन ही
हैदराबाद में शादी किसी की भी हो पैर रखना है लाड़ बाजार में। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स यहाँ पे सब कुछ है शादी से रिलेटेड, काफी सारी चीजें यहाँ तक कि आप ये देखिए कितना अच्छा और कुशन वो सब भी। गलती हो गई, तुमने शादी पहले कर ली? शादी पहले नहीं कर ली, शादी लेट हुई है, हैदराबाद लेट आई। भाई बोल रहे दुल्हन की सारी शॉपिंग यहाँ पे हो जाती है, पूरी हो जाएगी। यहाँ के बैंगल्स भी डिफरेंट है, लूट लो इस दुकान से जो तुम्हें। हमने सोचा कि हम एनिवर्सरी पे हैदराबादी ज्वेलरी भी पहनते हैं, तो हमने यहाँ से देखना शुरू किया है और बहुत सारा कलेक्शन था, बहुत सारे वेरिएशन थे। ये जो लाइट ग्रीन मोती दिख रही है ना आपको, ये ओरिजिनल है और ये बहुत कॉस्टली होता है। इसका इनके पास थोड़ा सा सेकेंड वाला कॉपी भी है और सब में देखिए सेट है। ब्राइड्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस है यहाँ पे, और ये इयररिंग्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे तो ये तो मैंने नॉर्मली ऐसे ही ले लिए, कोई भी आउटफिट में पहन सकते हैं। ये भाई इसको बना रहे हैं, टूट गया क्या? नहीं लगे हुए थे, इसको लगाने लगा। यहाँ से हो गया? हाँ, अब आगे बोल रहा कि मेरे वजह से हो गया, खुद ही जूते भी चूज किए थे, खुद ही आज पहन के भी आया था, मैंने मना भी किया था। आप पर इल्जाम लगता है, आपने बीवी पर बेफजूल ब्लेम किया, ऐसी बीवी पर ब्लेम डाल दिया जाता है फ्रेंड्स। हैदराबाद की ट्रेडिशनल बैंगल्स है, चोड़ा बोलते ये। देखिए फ्रेंड्स हैदराबाद का जो फेमस वर्क है ना, जरदोजी का वर्क यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कारखाने हैं। और ये है हैदराबाद का शादी का हॉल, कितना ग्रैंड लग रहा है ना। उसके बाद खाने के लिए हम आ गए हैं पेशावर रेस्टोरेंट। मैं तो बिरयानी खाऊंगी बस, तो अभी हमने खा लिया है खाना, अब चलते हैं कहीं और। थोड़ा ओल्ड सिटी तो देखा, अब सोचा थोड़ा सा न्यू सिटी देखते हैं जो कि है हैदराबाद का हाईटेक सिटी। और यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज बनी थी, ऐसा लग रहा था हम कहीं और ही पहुँच गए। होटल भी आ गए, शारिक भी चला गया, चलते हैं सब ऊपर अगले रूम पे। The next day. Hi friends, अस्सलाम वालेकुम। तो आज है हमारा डे टू हैदराबाद में। कैसे हैं भाई? तो करेंगे हैदराबाद में ऑटो की सवारी, क्योंकि कल से हम लोग कार में ही घूम रहे हैं। तो अभी अभी मिल गया ऑटो, हम लोग जा रहे हैं ऑटो में। तो हम अभी आ गए हैं GVK1 मॉल। और यहाँ पे हमें एक नई चीज मिल रही, यहाँ पे मिनिमम चार्ज जो है वो ऑटो को 100 रुपीज है, जैसे मुंबई में 23 है ना, हाँ। यहाँ पे 100 है। ये है या उसने हमको ऐसे बना दिया, उल्लू बना दिया? पता नहीं। देखो उन्होंने एस्केलेटर नहीं रखा, सीढ़ियां दी है तुम्हारे लिए दी है। फ्रेंड्स देखो कितनी अच्छी अच्छी डिजाइन की मछली है, ऊपर बड़ी वाली भी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे मैं आपको देखती ब्लॉग देखती इतना ज्यादा, तो हर जगह मेरी बेइज्जती कराती है। मैं आपको ये बोलने वाली हूँ, आप मेरी बेइज्जती कराते हैं। क्यों? बताने नहीं चाहिए, डरती है। ये तो क्यों नहीं बताऊं, डरती है तो भगवान को दे सारा प्यार। थैंक यू। हम जिस मकसद से, स्पेशल मकसद से आए हैदराबाद, हम उस काम के लिए आज यहाँ पे आ चुके हैं। चलते अंदर, आप भी देखते जाएं। आपको पता है हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी आने वाली है, जो कि हमारे लिए बहुत स्पेशल है और आप सब भी वेट कर रहे हैं। तो हमें कुछ स्पेशल पहनना था, अल्लाह ने ऐसा मिलाया कि हमारा इनसे कॉन्टेक्ट हुआ, ड्रेस वो हमें वहाँ पे भेज देते, लेकिन हमारा ये मकसद था कि हम हैदराबाद भी जाए, वहाँ भी एक्सप्लोर करें और इनका स्टूडियो है ना, वहाँ पर्सनली आके उसे देखें और अपने पसंद का आउटफिट चूज करें। और जैसे मैं एंटर की ना, डिजाइन और ये सारी चीजें देख के तो मेरे होश ही उड़ गए। ये तो देखिए आप, कितना अच्छा लग रहा है कलर कॉम्बिनेशन, और पूरा स्टोर कितना अच्छा बना के रखा। ये सारा वर्क, सारी चीजें आपके ही उसमें
कारखाने की सारी चीजें हाँ, हाँ, सब हमारे खुद के वर्कर्स हैं। एक वाला काम देखिए ना, पूरा हैंडवर्क है, फ्रॉम सितारा कलेक्शन, कट वर्क एंड ऑल, एंड सो मेनी कलर्स आर आल्सो देयर फॉर रिसेप्शन एंड ऑल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। ये कौन सा कलेक्शन? ये वाला बूम कलेक्शन है, स्पेशली फेस्टिव कलेक्शन है, जो अभी हमने लॉन्च नहीं किया, अभी लॉन्च होने वाला है। अरे वाह, आपके ब्लॉग में पहले देखेंगे। अरे वाह, हाँ तो, मतलब अगर ब्राइड्स के अलावा भी किसी को चाहिए तो माशाल्लाह। इसके नीचे फर्शी बरारा है, अनइवन टॉप है, इसके ऊपर खराडो पट्टा ड्रेप होगा, प्रॉपर निकालो। खराडो पट्टा तो आप जानते होंगे हैदराबाद का फेमस, ब्राइड्स के लिए तो मतलब कितनी अच्छी जगह है। ये सारे इनके अचीवमेंट्स। आपके लिए खालिद भाई के लिए हम डिफरेंट स्टाइल्स निकाल के रखे। सनी के लिए ये वाला स्टाइल सही है, कभी भी नहीं। उसको ये मुझे सलवार नहीं पहनना। मैं सलवार ही बोल रही थी। ट्राई तो करो। नहीं ट्राई कर रहा। शादी में भी इतना ये इन्होंने किया नहीं, मुझे धोखे सलवार नहीं लेना। अच्छा, लेंथ आप अपने हिसाब से देखिए। सबको खुद तो बड़ा अच्छा तैयार होके बैठ गए बेचारे दूल्हे को। कुछ नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना उसमें। इसके अंदर कुर्ता आएगा एंड आपका पैंट ही आएगा। अच्छा लग रहा है। सॉरी, इतने अच्छे कपड़े पहनने को मिल रहे फिर भी भाव खा रहे। वही घूमने वाला भी है तो कहीं फोन ना लग जाए कहीं। और टाइम मशीन के पुराने फोन ना लग जाए। बस आ जाओ, मौत बुला रही है। किसे लगाओ फोन? अपनी अम्मी को लगा लो, वही वेट कर रही है। मुझे लगता है मुझे उस दौर में होना चाहिए। तो उसी दौर क्यों लग रहा है मुझे? यहाँ पे तैयार हो रही होती, यहाँ पे फ्लावर्स के वो सब लगे होते, महारानी वाला ट्रीटमेंट मिलता। ज्यादा जंग लड़ने फिर क्या करती? हाँ, वो जंग पे नहीं जाते। तो फिर काहे की महारानी तुम? कराची है। बिस्किट तुम पहले खा लो, सबसे पहले बिस्किट रखे। अब मुझे हैदराबाद की सारी चीजें याद हो गई है। लोग देख के मैं समझ गई उस्मानिया बिस्किट से। सब कुछ आप मुझे विंटेज स्टाइल का रखा है ना, बहुत अच्छे लग रहा है। ये लीजिए। शुक्रिया शारिक। थैंक यू। आप लोग भी लो जी, लीजिए। इसी के साथ फ्रेंड्स, हमारा हैदराबाद में आज का दिन जो है वो ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बहुत अच्छे वीडियोस आने वाले। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए।